अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे बेसन की रेसिपी, तो हम इसको कैसा बनाते हैं चलिए देख लेंगे। तो सब में पहले हम पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम हो गया, अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे बेसन भुनने के लिए। तेल भी गरम हो गया, फ्लेम को मीडियम हीट पे रख लीजिए। अब हम एक कटोरी से भी कम बेसन ली, मैं मीडियम हीट पे हम इसको भून लेंगे बेसन को। बेसन डाल के छोड़िए मत, नहीं तो जल जाता बेसन। कंटिन्यू इसको हिलाते रहना और हाई फ्लेम पे मत भूनिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनिए इसको। बेसन भूनते से स्मेल आती, जब तक भुनना है इसको। इस तरह से इसको मैश करते हुए भून लेंगे, तेल डालने की वजह से लुंडे लुंडे हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से दबाते हुए भून लेंगे। रेडी हो गया ये, अब हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए कटोरे में निकाली मैं। अब हम पिच पैन में कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे 1 स्पून, अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे कट करके। मिला लेंगे हम इसको, अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे थोड़ा। प्याज का कलर चेंज होने तक पका लेना। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। अदरक लहसुन को भून लेंगे हम। अदरक लहसुन भुने गया, अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे 1/2 स्पून। अच्छे से मिला लेंगे हल्दी डालने के बाद भी। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, आपको जितना लगता। हरी मिर्ची डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची डालने के बाद थोड़ी देर तक हम तेल में इसी तरह से भून लेना मिर्ची को, तो ज़रा स्मेल चले जाती मिर्ची की। अब हम इसमें मीडियम साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसको भी हम। अब हम इसको ढक्कन ढाप के पकाएंगे, ढक्कन ढापने से टमाटर जल्दी गल जाते। अभी चेक कर लेंगे हम। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, कोथमीर डाल देंगे थोड़ी सी। अब हम टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर अच्छा भून लेने के बाद में हम पानी ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करते हुए डालिए पानी।
और पानी ऐड कर लेंगे हम, 4 ग्लास जितना पानी डाली मैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब हम इसको उबाल आने तक पका लेंगे, बॉईल आना इसमें, एक उबाल आने तक पका लेंगे। जब तक हम जो बेसन भून के रख लेते हैं उसमें पानी मिला के घोल के जैसा बना लेंगे, जिस तरह हम कड़ी को आटा लगाते उस तरह से पानी डाल के मिला लेंगे। ये देखिए पानी में ये अदहन आ गया, उबाल आ गया। अब जब मिक्स कर लिए हम बेसन, देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना, लम्स नहीं रहना इसमें, लुंडे नहीं रहना। अब हम इसमें हिलाते हुए डाल देंगे, एकदम से मत डालिए, हल्लो हल्लो डालिए हिलाते हुए। पूरा बेसन डाल दी मैं। अब इसको हम कंटिन्यू मिलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं, नहीं तो लुंडे बन जाते, घट हो जाता। अच्छा मिलाते जाएंगे, बहुत मज़े का बनता बेसन ही, इसके साथ जवारी की रोटी बहुत अच्छी दिखती, जवारी की रोटी और बेसन बहुत अच्छा दिखता। तो हम कंटिन्यू इसको मिलाते जाएंगे, अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन ढाप के पका लेंगे। अभी चेक कर लेंगे हम, फिर से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, गाढ़ा हो गया बेसन। ये गरम गरम ही खाना, ठंडा होए तो अच्छा नहीं दिखता, ठंडा हो गया तो पूरा जम गया जैसा हो जाता है ये, तो इसलिए इसको गरम गरम ही खाना। ये देखिए रेडी हो गया बेसन, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।